नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज 15 अक्टूबर है दोस्तों। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। यह जो हैंड वॉशिंग डे है दोस्तों, यह इस बात का द्योतक है कि हमें अपने हाथों को साफ रखना कितना ज़रूरी है। आज जो संक्रमण काल चल रहा है, आपसे यह बार बार दोस्तों आग्रह किया जाता है कि आप अपने हाथों को स्वच्छ रखें, आप अपने हाथों को बार बार धोएं। हाथ को स्वच्छ रखना, हाथ को साफ रखने से आप कई बीमारियों से बच जाते हैं दोस्तों। हमारा जो हाथ है, इसमें दोस्तों कई तरह के बैक्टीरिया, इसमें जो गंदगी होती है उससे दोस्तों बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में इन कर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि यह हमारा हाथ ही है जिससे हम खाना खाते हैं, हम अपने भिन्न भिन्न अंगों को छूते हैं, और दोस्तों उससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। इसलिए दोस्तों आपको हाथों की सफाई के लिए बार बार जागरूक किया जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से हाथों से जो फैलने वाले रोग हैं वह बहुतेरे हैं, और आइए हम जानते हैं उन रोगों के बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम अपने आँखों को जो छूते हैं, अपनी त्वचा को जब छूते हैं, तो इससे आँख में और त्वचा पर संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। अगर आपके हाथ हमेशा गंदे रहते हैं या आप दोस्तों बाहर जा रहे हैं, किसी वस्तु को छू रहे हैं, तो उसमें जो वायरस बैक्टीरिया है वो आपके हाथ में रह जाते हैं दोस्तों। रिसर्च के अनुसार आपके हाथों में लगे बैक्टीरिया और वायरस करीब करीब 6 से 12 घंटा तक जिंदा रहते हैं। इसलिए दोस्तों हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड रोग भी दोस्तों गंदगी के कारण होता है, या गंदा भोजन से और गंदे पानी से भी होता है। मुख्य इसका कारण दोस्तों गंदा भोजन और गंदा पानी से है। यह एक बेहद ही खराब और बहुत ही दोस्तों लंबे समय तक रहने वाला बुखार है, जो आपको बेहद कमज़ोर कर देता है। टाइफाइड या दूषित पानी के कारण फैलता है, और दूषित पानी से फैलने का यह जो रोग है यह बहुत ही घातक है दोस्तों। अगला है इकोलाई संक्रमण। जो इकोलाई हो जाते हैं, जहां पर दस्त जैसे लक्षण आते हैं, रोगी में आपको बार बार पेट में ऐठन होती है, बार बार दस्त जाना पड़ता है, इस तरह के लक्षण में दोस्तों हाथ की सफाई मददगार हो सकते हैं। और दोस्तों साल्मोनेला जो विषाक्त होता है, साल्मोनेला पॉइजनिंग जो होता है, वो भी हाथ के गंदगी से होता है। जबकि आप किसी तरह का मांस जो है, चिकन या फिर मीट जब बनाते हैं और आप गंदे हाथ से बनाते हैं, तो वो साल्मोनेला उसमें चला जाता है, जिसके कारण आप में संक्रमण पहुंच जाता है दोस्तों। इसलिए आपको बार बार अपनी हाथों का सफाई करना चाहिए, और हाथ का जो सफाई है दोस्तों वो अच्छे साबुन से आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है सैनिटाइजर के बनिस्बत दोस्तों। जबकि आप घर से बाहर हैं तब आप अगर आप सैनिटाइजर यूज करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर आप घर में हैं तो आप अच्छे साबुन से, डिटॉल साबुन से, सेवलन साबुन से, लाइबॉय साबुन, जो भी हैं अच्छे साबुन बाज़ार में हैं जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, नीम के जो साबुन हैं, उससे आप हाथ धोएंगे। और हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक धोएं, और हाथ को जब भी धोना है दोस्तों यहाँ तक धोएं, पूरी तरह से ऊपर नीचे, पूरे तरह से आपको साबुन को अच्छी तरह से लगाना है और अच्छे से हाथ को धोएं। उसके बाद ही आप भोजन करें, उसके बाद ही आप भोजन बनावें, उसके बाद ही दोस्तों आप अपने शरीर के किसी भाग को छुएं। तो दोस्तों ये था आज के लिए।